गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो कि एनसीआर सहित गाजियाबाद में रेकी के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 32 मोबाइल, मोटरसाइकिल एवं अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। ये अंतर्राज्यीय लुटेरे हैं, चैन स्नैचर हैं। इंका एक गैंग लगातार सक्रिय था। इंस्पेक्टर इंदिरापुरम की टीम क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम साहब के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। आज सुबह इनको पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की टीम को, और इनके पास से जो रिकवरी हुई है, इनके पास से करीब 32 मोबाइल मिले हैं जिन्होंने लूट और छिनैती के दौरान इन्होंने इकट्ठा कर रखे थे, जिनमें से करीब आधा दर्जन से मोबाइल से ज़्यादा की जगह ट्रेस कर लिया गया है, कनेक्ट हो गए हैं हमारे अपराध से। इनके पास से चार तमंचे बरामद हुए हैं जो ये अमूमन अपने घटना के दौरान इसको प्रयुक्त करते थे। दो मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिससे ये चलते थे। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। दिल्ली में भी इनके द्वारा कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनसे सघन गहन पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ करने के दौरान जो भी संज्ञान में आ रहा है हम लोग और कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही इनको और हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में लेंगे, जहाँ जहाँ इन्होंने घटनाएं की हैं उनको तहकीकात करेंगे और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कराई जाएगी। ये 2016 में एक घटना, जैसा कि अभियुक्त पंकज ने बताया है कि इनके द्वारा 2016 में एक घटना की गई थी, उसमें बड़ी घटना हुई थी, करीब 80 लाख की डकैती हुई थी जिसमें एक अभियुक्त को गोली भी लगी थी। उसका हम लोग संबंधित थाने से तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक पूछताछ ठीक से हम लोग कर रहे हैं और संबंधित थाने से भी संपर्क किया जा रहा है। शीघ्र ही हम लोग जितना भी इनका आपराधिक इतिहास है पता लगाएंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नहीं, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी सारे अपराध संख्या जितनी भी है हम लोग उसके अभी हम वादी को भी बुलाएंगे और हम लोग और उनकी पड़ताल भी कराएंगे। और निश्चित रूप से उधर चूंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है तो दूसरे बॉर्डर की पुलिस का लाभ उठा करके कि ताकि उधर वहाँ पर चेकिंग नहीं होगी, घटना जहाँ होती है सामान्यतया चेकिंग वहाँ पर ज़्यादा तेजी से होती है और दूसरी सीमा में निकलने पर जाहिर सी बात है उसका उनको लाभ मिलता था। अब हो गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में बने एक पाइप कारोबारी के गोदाम में एक नामी कंपनी का नकली पाइप पुलिस ने बरामद किया है। सूचना पर कंपनी की टीम के साथ पुलिस ने सिविल लाइन के हारथला स्थित गोदाम में छापा मारकर पाइप की खेप पर नामी कंपनी के नाम से मिलती जुलती मोहर लगा एक ट्रक प्लास्टिक पाइप बरामद कर ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इस मामले में अभी तक जो सामने चीज़ आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि अपोलो, एक APL अपोलो नाम की जो कंपनी है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इनका कॉपीराइट है, तो इनके जो सप्लाई आती है वो दिल्ली की तरफ से आती है और इनके जो HR है वो भी दिल्ली में बैठते हैं, तो इनके थ्रू, इनकी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू एक डीलर को इनका सामान, इनका माल जा रहा था एक ट्रक के थ्रू। वो ट्रक का माल जहाँ पर उतर रहा था वहाँ पर कुछ सूचना हमें भी मिली, उस दौरान हम लोग भी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ये पता चला कि APL अपोलो जो कंपनी थी इसका माल नहीं उतर रहा था बल्कि और किसी कंपनी का, जो अपोलो प्लस नाम की जो कंपनी है उसका माल वहाँ उतर रहा था। तो जैसे ही जो APL अपोलो नाम की जो कंपनी है इनको जब ये चीज़ का पता चला तो इन्होंने हमारे यहाँ पर कंप्लेंट दी है। उस कंप्लेंट के आधार पर हम लोग इस मामले की जाँच करेंगे, उसके बाद में जो जाँच के बाद में जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। सर तकरीबन कितने माल पाया गया है इसमें? इसमें एक ट्रक की बता रहे हैं, वेट हमने अभी करना है लेकिन एक ट्रक का माल बताया गया। किसी की कोई गिरफ्तारी भी? इसमें ट्रक ड्राइवर जो हैं उनको पूछताछ के लिए अभी रखा हुआ, उनसे पूछताछ करेंगे उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना स्थित महिला थाने में शनिवार को एक मुकदमे में लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्ष आपस में बातचीत करने के लिए महिला थाने के बराबर बने जिला अस्पताल में आ गए। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद ससुरालियों ने दामाद को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने दामाद को पीटते हुए CO ऑफिस महिला थाने के सामने पीटते हुए सिविल लाइन्स थाने ले गए। बाइट शबीना अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती। मुझे तंग करने लगे थे। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 31 मार्च को बारात गई थी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सरफराज। कहाँ के रहने वाले हैं? सरफराज। कौन सा थाना लगता है? थाना द्वारा।
ठाकुर द्वारा। ये आपके साथ मारपीट जो करी गई है इसमें आपके हस्बैंड भी थे या घर का उनको कोई और भी था? परिवार। क्या क्या नाम है बता सकते हैं? सास, सास का नाम समी, फिर नंदर और एक छोटी नंद खुद। क्या डिमांड कर रहे हैं? किसी पैसे वैसे की डिमांड है, किसी चीज़ की कोई डिमांड है? हाँ, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं लोग? 2,00,000 रुपये और बुलेट गाड़ी 15 दिन बाद ही मार कर दी थी। तो आपके द्वारा दी गई चक्कर में मारपीट कर रहे हैं जी? कितने महीनों का शादी को? मैं 31 मार्च को बारात गई थी और मुझे 7 महीने की प्रेगनेंट थी। तो ये मारपिटाई कब हुई आपकी? ये मारपिटाई 17 तारीख 10 बजे सुबह 10 बजे। खाने भी दे दिया आपने? मैं खाने में गई थी सर। 100 नंबर को कॉल करी जब मुझे होश आया। होश आने के बाद कमरे में बंद करके डबल बेड पर ये पता नहीं किस चीज़ से निशान देखा। आप देख सकते हैं कि किस चीज़ से मारा। कुकनी थी, लोहे का पाइप जिससे चूल्हे मार रहा थे लोहे की, और डंडे, और सर पता नहीं सास ने नंदो ने बस इतना होश है मुझे जब तक सास ने नंदो ना मारा। उसके बाद जब मैंने सुसर को और अपने हस्बैंड को बढ़ता देखा कमरे में और जब उन्होंने मुझे मारा जिस चीज़ से मैं तभी होश आया। उसके बाद सारे मिस्त्री मुझे नहीं पता इस चीज़ के। आप देख सकते हो मेरी हालत। क्या मामला था प्रधान जी आज? ये परसों का मैटर है साहब। दोनों मियाँ बीवी में सरफराज, उनकी पत्नी सबीना, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था इसी बात को लेके। उसके बाद में उनकी घरवाली ने सवेरे 100 नंबर को फ़ोन करा। उनके घर के साहब सब लोग जाके मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में साहब उसे थाने भेज दिया लड़के को। उसे हमने जमानत कराई। जमानत के बाद में साहब इन्होंने सिविल लाइन थाने फिर मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा कर दिया तो साहब हम फिर लेके आए उनको। जब हमें बुलाया गया अधिकारियों ने तो आज क्या बात हुई जिला अस्पताल में? आज ये हुआ साहब, जिला अस्पताल से लड़के को उठा कर मार के और 4-5 लोग जो है दमंगई से उसको उठा कर लाया। जान सामान्य को धमकी देते हुए लेके आए उसको फिर उसके ऊपर मुकदमा करवाने के लिए। आज अस्पताल किस लिए आए थे? अस्पताल इसलिए आए थे साहब उनसे बात हो जाए, फैसले की बात हो जाए, सुलह हो जाए तो अच्छा है। महिला थाने में आए थे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब प्रधान, सरकड़ा परम। शादी कितने समय पहले हुई? शादी करीब 9 माह पहले हुई। कहाँ की ससुराल? लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का सरकड़ा परम है, थाना ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद। और लड़की? लड़की महदूद और काट थाना है। कमलेश तिवारी हत्याकांड से व्यथित मुरादाबाद के हिंदूवादी नेता प्रांशु जोशी का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार और प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी नहीं दी गई तो उनकी गर्दन अपने हाथों से काट देंगे। जोशी जी, कमलेश तिवारी हत्याकांड को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सभी को मालूम है कि कमलेश तिवारी जी हिंदुत्व का बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और जिस तरीके से दुबई और पाकिस्तान के लिंक निकल रहे हैं, एक हिंदूवादी शेर को ख़त्म कर दिया गया और उसकी निर्मोही हत्या कर दी गई, ये पूरे भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वाकई में हमने एक अनमोल रतन खोया है। हफ्ते के बाद से आप वहीं थे कि सब क्या लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ी एक साजिश है, जिस साजिश का कोई क्लू मिल नहीं रहा है अभी, लेकिन ये बनी बनाई एक साजिश रणनीति बनाई गई है क्योंकि हिंदूवादी शेर को मारने के लिए मैं कहता हूँ अगर कातिल थे तो भगवा पहन के क्यों आए? वो अपना नाम बता के आते, लेकिन ये तो एक तरीके से पीठ पे छुरी मारने वाला काम हुआ है जिसको हिंदू समाज पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो हत्या हुई है इसको लेकर आपका एक सोशल मीडिया पर बयान है, वो क्या है? क्या आपका एक बयान अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें बयान में आपने कहा है फांसी देने को अगर सरकार नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? मैं 1.5 महीने के बाद आत्मदाह करूँगा, ये मेरा वादा है। फांसी देने के लिए अगर सरकार नहीं देगी तो आपने भी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आप देंगे फांसी उन लोगों को? मैंने फांसी को नहीं कहा, जब उन्होंने हत्या करके वो खुलेआम घूम रहे तो मैं मारूंगा उन्हें।
बदला लेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है इसके लिए, क्या आप जानकारी मिली आपको? देखिए, प्रदेश सरकार योगी जी ने पूरी बात आज सुनी और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी मांगे मानी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कहता हूँ। सरकार अपना काम किस तरीके से कर रही है? देखिए, माननीय योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं, जिन हाथ बंधे होने की वजह से इतना बड़ा कांड भारत में हो गया है। अब आप बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हिंदू जागा नहीं, अब नहीं जागा तो कब जागेगा? इस तरीके से अगर निर्मोही हत्या होगी तो आज कमलेश तिवारी है, कल हमारी बारी है, परसों किसी की। मेरे को सोशल मीडिया पे इतनी धमकियां आ रही हैं मारने की, उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे साथ होना था वो हो गया। अब मेरी भी अगर मौत हो जाएगी तो मुझे परवाह नहीं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जहां बीते रविवार रात इंदिरापुरम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। वहीं उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से कविनगर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई पंकज धवन की हत्या के दौरान लूटा गया सामान, बैग, नकदी, पासपोर्ट, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। बाइट केशव हुआ है, कैसे हुआ है? चूंकि त्योहार को ध्यान में रखते हुए चेकिंग वगैरह काफी मुस्तैदी से करवाई जा रही थी, शाम की चेकिंग, उसी में ये सूचना मिली कि ये जो कविनगर में वांछित अपराधी चल रहे थे एक मर्डर के केस में, उनकी भी ऐसी सूचना आई थी कि वो भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उनको रोका गया। उस क्रम में जब उनको रोका गया तो एक तो जवाबी मतलब फायरिंग पहले उसने पुलिस पे की, जवाबी फायरिंग में उसके पाँव में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। उसे भी हमारी SOG की टीम ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ उसे पकड़ा और उसके हाथ से भी उसी समय तमंचा बरामद हुआ। जब इनको पकड़ा गया तो उस समय बरामदगी में एक स्कूटर और तमंचे, जिंदा कारतूस वगैरह इनके पास से बरामद हुआ। और जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो ऐसा पता चला कि कविनगर में जो मर्डर हुआ था, लूट के बाद मारा गया था पंकज धवन नाम के एक शख्स को, उसमें इनका हाथ था। जो आला कतल यूज़ हुआ था उसमें आपका पेचकस होता है, रिंच वगैरह है, हथौड़ा वगैरह है, ये भी इनके पास से बरामदगी हुई है। और उसका पासपोर्ट और पर्स जो पंकज धवन का था वो भी इनके पास से मिला है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति है जिसका नाम आपका सनी है और दूसरे व्यक्ति का नाम आकाश है, ये जो सनी है इसने ये पंकज धवन वाले मर्डर से पहले अपने दोस्त जिसका नाम रिंकू था उसका अप्रैल में उसका भी मर्डर किया था। उसमें जिस दिन उसकी तारीख थी कोर्ट में, उसी दिन इसका प्लान बना अपने दोस्तों के साथ कि एक और लूट कारित की जाए जिसमें इस पंकज नाम के व्यक्ति की जान गई थी। इसके साथ साथ स्कूटी वगैरह और तमंचा और कारतूस वगैरह भी बरामद हुए हैं। जिस तरीके से जो इनके टूल बॉक्स से जो सामान मिले हैं जब उनका निरीक्षण किया गया है तो वो इस तरह के हैं कि वो मल्टीपर्पज़ टाइप के हैं, उनसे किसी ताले को खोल सकते हैं और वो इतने हैवी हैं कि यदि उनसे सर वगैरह पे चोट किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा लग सकता है कि कहीं मिस्त्री हैं, कहीं काम कर रहे हैं, इस तरह का है। बट उनके मतलब जब चेकिंग की गई तो मतलब उनकी संदिग्ध अवस्था देख के ये घटना हुई है।